दोस्तों ये देखिए बाहर का फुटेज है। ये कुछ इस तरह से बालकनी बनने के बाद दिख रहा है। बालकनी ये फाइनल डिजाइन हो गया दोस्तों घर का। और ये देखिए हमारा अंदर का रेलिंग लग चुका है टफन ग्लास में, ये भी फाइनल हो गया है दोस्तों। तो चलिए इसका पूरा प्रोसेस हम बताते हैं किस तरह से बना है और कौन सा मटेरियल लगा और क्या रेट हुआ है दोस्तों। तो एकदम वीडियो में कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। अभी हम मास्टर पिलर का यहाँ लगा रहे हैं, मास्टर पिलर का हॉल बना रहे हैं। इसमें मास्टर पिलर लगेगा दोस्तों, ये मास्टर पिलर। और तो दोस्तों मास्टर पिलर बहुत ही सुंदर है, ये तो सिर्फ सैंपल में पड़ा हुआ है। देखिए ये मास्टर पिलर है दोस्तों हमारा, ये है एक्रेलिक मास्टर पिलर बोलते हैं दोस्तों। इसका 3 इंच का है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लाजवाब डिजाइन है। आप देख सकते हैं ग्लास से एकदम मैच करता हुआ है और बहुत ही सुंदर है। ये देखिए इसको मिला रहे हैं हम अभी। इसमें क्या होता है, मास्टर पिलर राउंड शेप में होता है दोस्तों, तो इसको क्या हमको पाइप से खाचा काट के अच्छे से मिलाना पड़ता है, नहीं तो वहाँ गैप रहता है तो अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए इसको हम बढ़िया से मिला लिए। चलिए अब इसको हम टेकिन मारते हैं और अच्छे से जाम कर लेते हैं इसको, ताकि कभी हिले नहीं भविष्य में। और ये स्टील का पत्ती दोस्तों बना बना के तो चारों साइड से जाम कर देते हैं ताकि अच्छा से फिक्स हो जाए। और ये हमारा वेल्डिंग हो गया दोस्तों। चलिए मास्टर पिलर अब बताते हैं दोस्तों इसमें कौन सा मटेरियल लगा है और कैसे क्या लगा है। चलिए दिखाते हैं। ये मेरा फ्रेमिंग कंप्लीट हो चुका है और मेरा ग्लास का भी नापी चल गया है। ये दोस्तों देखिए है ना, अपना प्लाई से या तो एमडीएफ बोर्ड आता है, आप किसी से भी नाप दे सकते हैं। कारण कि क्रॉस है तो इसमें आप नापी इंच से नहीं दे सकते, ये फरमा बना के देना पड़ता है हम लोगों को, तो इसलिए फरमा बना लिए हैं और वो चला गया है, नापी आएगा। तो फ्रेमिंग पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। देखिए ये जो है ना पाइप एक सीढ़ी ऊपर है थोड़ा, इसलिए इस तरह का डिजाइन यहाँ बनाया गया है। डिजाइन वो ऊपर करके फिर इधर करके इधर आगे ले लिए हैं। बस इसी तरह से फ्रेमिंग दोस्तों पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। और ये दोस्तों देखिए यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग आ चुके हैं, सब कंप्लीट हो चुका है। और बता दे कि ये पाइप जो है ना दोस्तों 304 में है, सब 202 में नहीं है, 304 दोस्तों। कभी वो लाल हो जाता है या तो जंग लग गया, ये सब नहीं लगेगा। और ये पाइप दोस्तों देखिए लगा हुआ है 1.25 इंची का, दोनों है 1.25 का स्क्वायर, और ऊपर वाला 2 इंची का है दोस्तों। और ये जो दिखा रहे हैं ये डीप ब्रैकेट है, इसी में हम ग्लास फिक्स करेंगे दोस्तों। ये इसमें पेच होता है, देखिए ये 2 पेच होता है, इसको हम खोल के और फिर से ग्लास उसमें डाल के और फिर से फिक्स कर देंगे। वहाँ लंकी का टाइट करने का दिया रहता है जगह, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है दोस्तों। अभी आपको ग्लास भी लगा के दिखा रहे हैं कुछ देर में, तो सब वीडियो में कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और इस तरह का कुछ भी काम कराना हो तो आप बहुत आसानी से करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका फिनिश हो जाता है, सेकंड फ्लोर तक है ये। और इसमें दोस्तों भी सीमेंट वगैरह भरना बाकी है, अभी जाम करना बाकी है हमको। क्या अर्जेंट में ग्लास का नापी भेजना था, इसलिए सब फटाफट करके कर दिए। अब सारा फिनिशिंग अच्छा से देंगे। और अभी ग्लास लगा के भी बताते हैं दोस्तों, ग्लास मेरा आ चुका है तो चलिए अब ग्लास फिटिंग करते हैं। और ये ऊपर में बालकनी बनाए दोस्तों, देखिए ऊपर में भी फ्रेमिंग हो चुका है कंप्लीट सारा। और ये दोस्तों साइज बता दे आपको, साइज 7 फुट है दोस्तों। चौड़ाई जितना भी इस पिलर से इस पिलर तक, पिलर टू पिलर 7 फुट है दोस्तों, और हाइट 3 फुट है। तो इसमें हम 2 फुट का ग्लास लिए हैं दोस्तों, और एक एक फुट का देखिए 6 इंच नीचे गैप है, 6 इंच ऊपर गैप है, तो 3.5x2 फुट का ग्लास आ जाता है। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि ग्लास किस साइज का लगता है इसमें बता दे। तो देखिए आपका एरिया जो है उस हिसाब से आप ग्लास लगा सकते हैं इसमें, और क्या एरिया है उसके डिवाइड करके आपका मिस्त्री जो भी होगा वो अच्छे से डिवाइड करके लगा देगा। तो मेरा 7 फुट है तो 3.5 फुट 3.5 फुट का ग्लास लगाए दोस्तों। हाइट में 2 फुट रखे हैं, आप 2 फुट भी रख सकते हैं, 1.25 भी रख सकते हैं, जिस तरह से आपका एरिया हो उस हिसाब से आप ये 3.5 फुट के जगह में 3 फुट भी कर सकते हैं या तो 4 फुट भी कर सकते हैं। वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या साइज बनाना है हमको, और वो अच्छा दिखना चाहिए दोस्तों। ऐसा भी नहीं है कि 6 फुट का ग्लास डाल दे ताकि वो फिर ऑकवर्ड लगे। तो ये देखिए फ्रेमिंग यहाँ भी सावरा बालकनी का, ये बालकनी पूरा छत में ही ग्लास टफन ग्लास लगा है दोस्तों। चारों साइड देखिए आप दिखा रहे हैं हम, पूरा साइड यही लगा हुआ है। देखिए ये फ्रंट का एरिया है दोस्तों, फ्रंट पहले हम लगा चुके थे, ये पहले लग गया, अभी बैक साइड में बाद में काम हो रहा है।
ये दोस्तों देखिए सेम डिजाइन जो यहाँ बना हुआ है ये फ्रंट में, वही सेम डिजाइन उधर बनेगा एकदम। देखिए क्या लुक आ रहा है दोस्तों, है ना, बहुत ही सुपर दोस्तों, डिजाइन भी बहुत सुंदर है। और ये ग्लास दोस्तों 12 mm का टफन किया हुआ है, इचिंग किया हुआ है, तो ये डिजाइन कभी जाने वाला नहीं है दोस्तों। और आपका 304 ग्रेड का स्टील है तो वो भी कभी कुछ होने वाला नहीं है, तो मेंटेनेंस फ्री है एक तरह से दोस्तों। देखिए ये पूरा एरिया में, पूरा छत में ये लगा हुआ है, तो यहाँ फिनिश हो गया दोस्तों। अब चलिए चलते सीढ़ी में आते हैं दोस्तों। ग्लास मेरा अब लग चुका है, देखिए ये ग्लास लगने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, और एकदम लाजवाब दोस्तों, देख सकते हैं सुपर है ना। देखिए इसमें दोस्तों अभी ग्रीन ग्रीन इसलिए दिख रहा है कि इसका भी स्टिकर जो है वो हम नहीं कबाड़ पाए हैं, बहुत इमरजेंसी था, गृह प्रवेश था, इसलिए स्टिकर नहीं कबड़ा है। बस अभी कबाड़ हैं, भी मिस्त्री आ चुका है, उसका भी स्टिकर कबाड़ते, कहीं कहीं कबड़ा हुआ है, तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और ये भी एक कलर आ रहा है दोस्तों, ये ग्रीन है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो नहीं चलेगा, उसको निकालना होगा। वो स्टिकर होता है प्लास्टिक का, फिल्म बोलते हैं उसको, तो वो भी निकाल देते हैं उसको हम। और कहीं कहीं निकला हुआ है, वहां भी चल के आपको दिखा रहे कि कितना सुंदर दिख रहा है। और दोस्तों अगर इसका हम रेट का बात करें ना, तो रेट देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये फिल्म निकला हुआ है, तो यहाँ कितना सुंदर दिख रहा है दोस्तों। बस इसी तरह से सब जगह निकल जाएगा फिल्म, और बहुत ही सॉलिड दिखने वाला है दोस्तों। तो आप एकदम वीडियो को में कंटिन्यू रहे दोस्तों, एक भी स्किप ना करें, ताकि कोई चीज आपसे छूट जाए। और आपको रेट बता दे दोस्तों, ये रेट जो है ना, आपको अगर 304 ग्रेड 18 गेज में मटेरियल बनाते हैं दोस्तों, और 12 mm टफन करवाते हैं, तो आपको लगता है दोस्तों 1500 से लेके 1550 रुपये तक रनिंग फुट लगता है। अब रनिंग फुट क्या होता है दोस्तों, आपको बता देते हैं। ये जो 2 इंची का पाइप हम दिखा रहे हैं, वो पूरा नापना पड़ता है दोस्तों, जितना वो लगा हुआ है बस वही। ऐसा नहीं है कि 20 फुट मेरा ऐसा है और 3 फुट ऐसा है, तो 20 या 60 फुट, वो स्क्वायर फुट हो गया दोस्तों। रनिंग फुट नापना है तो आपको जितना भी एक एरिया से जितना आपका जा रहा है 2 इंची का पाइप, बस वही फुट गिनाएगा, और कुछ नहीं उसमें गिनाता दोस्तों। ये देखिए मोटा वाला पाइप जो दिख रहा है आपको ऊपर में सबसे, बस उसको एक खाली नाप लेना है, यहां से वहां तक जितना लग रहा है बस उतना है दोस्तों। तो देख रहे दोस्तों डिजाइन आप कितना सुंदर लग रहा। और यहाँ दोस्तों देखिए हम ग्रिल बना दिए हैं, यहाँ हर घर में बच्चे तो शरारती होते ही है, तो ये गैप थोड़ा ज्यादा बन रहा था, तो इसलिए यहाँ ग्रिल बना दिए, ताकि कोई बच्चे शरारती ना करे और पैर इधर से उधर ना डाले। तो ये हमारा अब यहाँ एंड होता है दोस्तों, सीढ़ी का यहाँ पे एंड हो गया दोस्तों। सेकंड फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक आ चुके हम लोग। देखिए ये नीचे का सीन है दोस्तों, क्या लाजवाब दिख रहा है। इसमें टाइल्स भी इतना सुंदर लगा हुआ है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं एक अलग ही फील आ रहा है दोस्तों, है ना, सीढ़ी में देखिए। चलिए अब ऊपर चलते बालकनी की ओर दोस्तों, बालकनी में भी ग्लास लग चुका है, तो बस आप एकदम कंटिन्यू बने रहे दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों। देख लीजिए अब ये फाइनल डिजाइन है दोस्तों मेरा, है ना, देखिए यही फाइनल डिजाइन है, कितना सुंदर दिख रहा है, लाजवाब दोस्तों, लाजवाब। और बस एकदम सिंपल है दोस्तों इसको बनाना, कोई ज्यादा टफ नहीं है। और ये दोस्तों हॉल में टफन लगाया गया है, टफन 12 mm का ये भी है, पूरा हॉल में टफन लगाया है दोस्तों, ताकि बाहर का लुक एकदम सुंदर हो। और बाहर से भी दिखाएं और फिर से दिखाएंगे दोस्तों, आप एकदम वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, लास्ट में वीडियो में दिखाएंगे कि बाहर से क्या लुक आ रहा है दोस्तों, एकदम लाजवाब। देखिए ये है दोस्तों बालकनी का मेरा नीचे का एरिया, बस ये पहले बना दिए थे दोस्तों, इसका वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। ये भी कैसे, इसका सारा प्रोसेस बताए हैं, कैसे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, टोटल बताए दिए। और ये दोस्तों देखिए हम ऊपर आ चुके हैं, और ऊपर में दोस्तों ये ग्लास लग चुका है, इसमें कोई भी स्टिकर नहीं लगा हुआ है, देख सकते हैं फाइनल डिजाइन है ये, सारा फिनिशिंग हो चुका है दोस्तों। अब देखिए कितना सुंदर दिख रहा है दोस्तों, है ना, देखिए ये भी वही सब मटेरियल लगा हुआ है दोस्तों, पौना बाई पौना इंच का आपका पाइप है, 18 गेज में डीप ब्रेकेट है, 12 mm का टफन ग्लास बीच में है दोस्तों, नीचे ऊपर पाइप डाल के बहुत ही, ये दोस्तों ब्लास्टर है 1.5 इंच बाई 1.5 इंच का हेवी ब्लास्टर है दोस्तों, ये सब देख सकते हैं आप, 3.5 फुट बाई 2 फुट का ग्लास सब में लग चुका है दोस्तों, है ना, बहुत ही सुंदर तरीके से लगा हुआ है।
देखिए ये जो है ना, बस रनिंग फुट आप आपको इस जगह पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इस पिलर से उस पिलर तक 7 फुट है दोस्तों, तो बस 7 फुट का ही लगेगा। ये 7 फुट चौड़ाई है और हाइट आपका 3 फुट है, तो वो नहीं गिनाएगा, सिर्फ 7 फुट। ये जैसे 7 फुट अगर आप गिनते हैं तो 7 फुट का कितना पैसा होता है, आप बता रहे हैं आपको कितना कॉस्ट लगेगा। 7 फुट है दोस्तों, 7 इंटू इस पिलर से लेके उस पिलर तक 7 फुट है, तो 7 इंटू आपको 1500 रुपये अभी मान के चलिए, आपके मार्केट के हिसाब से जो भी हो, 150 कम या 150 ज्यादा भी लग सकता है, तो ये समझ लीजिए 10,500 का एक घर का दोस्तों लग रहा है, इस घर से लेके उस घर तक, मतलब एक घर का इस पिलर से उस पिलर तक का 10,500 रुपये खर्च आ रहा है दोस्तों, है ना। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया, और देख सकते हैं ये इस तरह से आपका पूरा जो हो चुका है बाहर का लुक, ये आ रहा है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त। देखिए टफन लगा हुआ, ये टफन है दोस्तों, अभी इसका भी फिल्म नहीं उतरा हुआ है, अभी काम चालू है, कलर वलर पर नहीं पड़ता, इसलिए इसमें फिल्म लगा हुआ है, ये भी निकल जाएगा। अब देखिए ये चीज दोस्तों अभी बालकनी बन के तैयार हो चुका है, ये तो पहले से बना हुआ है, पीछे तरफ तो आपको दिखाई है दोस्तों। और एक सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, लाइक कर दे, चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें दोस्तों, और किसी को इस तरह से बनाना है तो वीडियो शेयर करें ताकि उनको आपके मदद से कुछ मदद मिल सके, तो ये चीज जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों अब वीडियो को एंड करते हैं इसी जगह पे, और फिर हाजिर होता हूँ न्यू न्यू वीडियो के साथ दोस्तों, इसी धमाकेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।